अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खानों में, आपके जायकों में बरकत डाले। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त। ये बनाने में बहुत ही इजी बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी। अगर आपको मेरी मटन गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गरम कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। हमारा गोश्त पहले से ही बॉईल हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको बस थोड़ा सा ही भून लेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हेल्दी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डालते वक्त हमने इसकी फ्लेम लो कर दी थी, क्योंकि हाई फ्लेम पर दही फट जाता है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख देना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें पुदीना ऐड कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नींबू इस तरह से काट कर ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और इसको भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने इसकी ग्रेवी की है, अगर आप चाहें तो आप इसको खुश्क भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। ये जितने देखने में टेस्टी लग रहा है, उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक।